प्रिय छात्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में व्याकरण ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामर किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, इसको हिंदी में हम कहते हैं, जिस विद्या के जानने से कोई भाषा शुद्ध बोली और लिखी जा सके उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा इस तरह से हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है। तो देखिए, व्याकरण जिस विद्या के ज्ञान से भाषा शुद्ध बोली या लिखी जाती है तो उसे तो उस विद्या या ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जानने के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा क्या होगा, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को एक दूसरे को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इस तरह से भाषा की परिभाषा हो गई। भाषा कई प्रकार की होती है। भाषा तीन प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो हम लिखित भाषा को कहते हैं कि जब हम किसी अपने भाव को जब हम अपने भाव को लिख करके व्यक्त करते हैं तो ऐसी भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। जब हम अपने विचारों को मुख से बयान करके मुख से कह करके व्यक्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि मौखिक भाषा है। और सांकेतिक भाषा उसको कहते हैं जब हम भाषा को संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, संकेत से बतलाते हैं, तो उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अंग्रेजी में व्याकरण पढ़ने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लेटर क्या होता है, जिस अक्षर क्या है। तो लेटर किसे कहते हैं, लेटर उसको कहते हैं कि अक्षर, लेटर को हम हिंदी में अक्षर कहते हैं या इसे वर्ड कहते हैं। तो अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं जिनको ए बी सी डी से लेकर के जेड तक 26 अक्षर हैं। ये अक्षर चार प्रकार से लिखे पढ़े जाते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ने के दो प्रकार के अक्षर होते हैं, एक को कहते हैं पढ़ने के बड़े अक्षर, एक को कहते हैं पढ़ने के छोटे अक्षर। उसी तरह से लिखने के लिए भी लिखने के बड़े अक्षर और लिखने के छोटे अक्षर, इस तरह से अक्षरों को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो हिंदी में आप जानते हैं कि कुल 52 वर्ण होते हैं और अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। तो जिनमें से आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। तो इंग्लिश में कुल 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। तो स्वर कौन कौन से हैं, इसके पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला इसको इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये सब क्या हैं, ये सब ये पूरा जो समूह है इसको हम कहेंगे, ये अल्फ़ाबेट है, इसको कहेंगे ये वर्णमाला है। और उच्चारण के विचार से इन वर्णमाला को, इन वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं
एक को कहते हैं वाबिल और दूसरे को कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो वाबिल किसे कहा जाता है? तो वाबिल की परिभाषा क्या होगी? वाबिल की परिभाषा होगी कि वे वर्ड जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं तो उन्हें हम वाबिल कहते हैं। तो अंग्रेजी में वाबिल पांच होते हैं, AEIOU पांच वाबिल होते हैं। इसी तरह से कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं? कॉन्सोनेंट या व्यंजन वे वर्ण जो बिना स्वर के न उच्चारण किए जा सके तो उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनको उच्चारित करने के लिए हमें वाबिल की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट कुल 21 होते हैं अंग्रेजी में। अब इसके बाद वर्ड किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे कहते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट कर्ता जहाँ तक होता है उस भाग को हम सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, और इसके बाद जो बचा हुआ होता है उसको हम प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर लिखा रहे कि राम प्लेज, तो राम प्लेज में आप देख सकते हैं कि राम इतना ये सब्जेक्ट है और इधर प्लेज जो है ये प्रेडिकेट है। इस तरह से आई रीड में देख सकते हैं, तो आई हो गया सब्जेक्ट और रीड हो गया प्रेडिकेट। ही इज गोइंग में देख सकते हैं कि ही हो गया सब्जेक्ट और इज गोइंग हो गया प्रेडिकेट। इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। कार्य के अनुसार इन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? वाक्य के जो पार्ट्स होते हैं, वाक्य में भाग लेने वाले जो शब्द होते हैं जिनसे वाक्य बनता है, उन सभी शब्दों के अलग अलग कार्य होते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं वे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जिनमें जिसको नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, चौथा है वर्ब, इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, पांचवा है एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, छठवां है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। इसके बाद सातवां है कंजक्शन, कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं, और आठवां है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन की परिभाषा क्या होगी? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको इस तरह से याद करना है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। इसको हिंदी में कहते हैं कि संज्ञा नाम, स्थान और वस्तुओं के बारे में जो बताता है उसी को हम कहते हैं संज्ञा। इसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को हम कहते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में लिखा जाता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, ही, जैसे कहा जाए कि राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है। अब आप बार बार राम न लगा करके एक बार लिख देंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह किताब पढ़ता है, वह खाना खाता है। इस तरह से वह यहाँ पर सर्वनाम हो गया। इसी तरह से किसी भी चीज़ के लिए, जब किसी संज्ञा के लिए
किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन आर प्रोनाउन। तो इसकी परिभाषा हो गई कि एडजेक्टिव ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे हो गया, जैसे परिभाषा के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, स्मॉल हो गया, टाल हो गया। फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर गुड राम की विशेषता बता रहा है। ही इज ए बैड मैन, यहाँ पर बैड, बैड माने खराब होता है, वह उस आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी खराब है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, उसकी सुंदरता का आख्यान कर रहा है। ही इज स्मॉल, स्मॉल छोटा है, टाल है, इस तरह से बिग है, कुछ भी है। तो इस तरह से आप इसको को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या होगी, ये वर्ड विच सोज सम वर्क इज कॉल्ड वर्ब। जैसे प्ले हो गया, वॉच हो गया, सिंग हो गया, ड्रिंक हो गया, ईट हो गया, स्लीप हो गया, वीप हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब वर्ब हैं। जैसे प्ले माने होता है खेलना, वॉच माने देखना, सिंग माने गाना, ड्रिंक माने पीना, ईट माने खाना, स्लीप माने सोना, वीप माने रोना। राम सिंग से लिखा है अगर, तो इसका अर्थ हुआ कि राम गाता है, तो यहाँ पर सिंग क्रिया हो गई और राम करता है। राम का काम क्या है, गाना। ही ड्रिंक्स विशेषण, क्रिया विशेषण। ये वर्ड विच मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब आर अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जैसे क्विकली हो गया, बेरी हो गया, स्लो हो गया, फास्ट हो गया। हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक, इसको संबंध बोधक कहते हैं। तो संबंध बोधक इसकी परिभाषा क्या होगी, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच गवर्न्स नाउन और प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ऑन, अप, एट, इन, इनटू। आई एम इन द रूम, आई का संबंध बता रहा है कि आई कहाँ पर है, रूम में है, तो मैं इसके संबंध को बता रहा है। इस तरह से इसकी परिभाषा हो गई कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का उसके वर्ड से संबंध को बताता है, उसको हम कहते हैं संबंध बोधक। कंजक्शन समुच्चय बोधक। कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। जैसे एंड, बट, आइदर आर, नाइदर आर, नार, बिकॉज, एट, ईटीसी। आई कैन नॉट वॉक बिकॉज माई हेल्थ इज नॉट वेल। या आप इस तरह कह सकते हैं कि आई हैव ए पेन, ए पेंसिल एंड स्केल। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मयाद बोधक। तो इंटरजेक्शन की परिभाषा क्या होगी, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच सोज फीलिंग ऑफ हर्ट। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि वह शब्द जिसके द्वारा कोई आकस्मिक मनोभाव प्रकट होता है, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हेलो, आ, एलास, ब्रेबो, हुस, ये सब इंटरजेक्शन या विस्मयाद बोधक के शब्द हैं। धन्यवाद।